हमने हंस हंस के तेरी बज्म में ऐ पैकरे नाज, हमने हंस हंस के तेरी बज्म में ऐ पैकरे नाज, कितनी आहों को छुपाया है तुझे क्या मालूम। सर हमारी आज की जो ऑडियंस है ना, ये बहुत एनर्जेटिक है और ये बड़ी तैयारी से आई है आपके साथ गपशप मारने। लाल पगड़ी वाले अंकल कितने सोने लग रहे हैं। ये जब बंदा बाहर ट्रैक्टर खिलार के आया होता है, 5 मिनट बाद वापस आके कह रहे होते हैं इतने ही खड़ा सी मेरे ट्रैक्टर दे किसी ने सेल काट लेने। ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਖੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖੰਘ ਛੇੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਸੀਮ ਵਿਕੀ ਸਰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਜਾਦ ਜੁੱਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੂੰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੁਨੈਦ ਸਲੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੂੰ। ਜੀ ਸਰ, ਆਪਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨਕੋ ਸਲਾਮ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੀ। सर आजकल जितनी सर्दी पड़ रही है जी जी, इतनी सर्दी में ड्राई फ्रूट की भी इतनी ही अहमियत है जितनी के रज़ाई या हीटर की। आप इन तीनों चीज़ों में से कैसे तरतीब करते हैं, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री? बताएं जी। देखो जी, नंबर वन तो रज़ाई है, तो रज़ाई आ गई ना तो बस थोड़ी सर्दी लंघ सकती है। बाकी दो चीज़ा महंगी बहुत ने, हीटर भी नहीं चलाया जा सकता, बिजली का बिल बहुत आना जी, ठीक है, गैस तो वैसे नहीं आ रही, तो ड्राई फ्रूट जरा ना वो तो लैंड की ड्राई फ्रूट भी नहीं कर सकते जिन्ना महंगा हो गया। चलो उसे तो सोने तो भी उत्ते चले गए ने, बेहतर है कि बंदा रजाई लैके ना ड्राई फ्रूट कह के ते हीटर हीटर करदा सौ जाए। काजू चलगोजे, ये तो अब ख्वाब ख्याल की बातें हो गई। और शेख साहब की बीवी कहती है ना, मुझे भी एक काजू चखाएं कैसा होता है। कहते ये लो, दे देता है, खाती है, कहते एक और दे, बाकी भी हो जाएगी ना। चलगोजा 18,000 रुपए किलो होया, मले च इन्हू कहंदे कैसा तेरा 18,000 वर्गा मुंह। शेख साहब ने ट्रेन रुकवाती सी जंजीर खिंच के, कहंदे मेरा चलगोजा गवाचा या थले डिगा या इथों लभ के दियो। मेरा सवाल बब्बू साहब से है। बब्बू साहब, आपका हरीफ जो है हर लिहाज से आपसे आगे निकल चुका है, गायकी में भी उसने आपको काफी पीछे छोड़ दिया है, अब आजकल उसने सियासत में भी कदम रख दिया है, तो अब एक इंटरव्यू रह गया जिसमें हम आप दोनों को बराबर देख सकेंगे। मेरी मुराद चाहत फतेह अली खान साहब। इधर की मजा आया जिसमें छक्का मारता। सवाल बहुत अच्छा किया। हाँ, सिर्फ इंटरव्यूज के हवाले से दोनों में नेक टू नेक कंपटीशन है। चाहत फतेह अली, मैं कुछ नहीं कहना। क्यों? ਬੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗੈਂਡੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਕਬੂਤਰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਵਾਜਾ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸੇ। ਜੀ, ਆਪ ਬਤਾਏ, ਆਪਕੋ 25 ਸੇ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਫੀਲਡ ਮੇ, 25 ਸਾਲ ਸੇ ਲੇਕਰ ਆਜ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਮੇ, ਕਿਆ ਵੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। चेंजिंग तो आ नहीं रही, बल्कि खराब ही हो रही है। जो थिएटर की बात कर रहे हैं ना, जी, थिएटर की बात, थिएटर की बात कर रहे हैं, वो तो खराब ही हो रही नहीं, है। और ज़रात का पूछ रहे हैं तुमसे। तुमसे थिएटर का ही पूछ रहे हैं और उन्होंने मकई की फसल का पूछना है। खुदा दी कसम, तुसी किसी दी सस होंदे ना, इहो जी ससा 1.5 घंटा घुटा के कहंदी बस कर नहीं, फिर मेरा पिंडा दुखण लग पिया। और अपनी नूह नूं ने कहना सी, तू जदों घुटदी ना मैनूं खलियां पै जांदियां। हां, घुटदी ते मेरी धी है। मेहनत करनी शुरू कर दो, टोना भी बनाने लग पा। घर के बच्चों ने कहना सी, अम्मा लड़ाई वध गई, ब्रेक ले ले। 3 महीने बाद इन्हें कहना, खाली कैमरा मैन बुला लो, ये मरासी क्या करते हैं। मजे की बात बताओ, आप लोग सास की बात कर रहे हैं, हमारे पास सास, ससुर, बेटा, बहू सब मौजूद है। जरा इधर आ जाए। अब सास कौन है? मैं सास। अच्छा, लग रही है जैसे आप बहू के मुकाबले में डर के बैठी हुई है ना, आप सासी हैं। अच्छा, हमने ये जो बातें की ये मजाक थी, आप बहुत अच्छी वाली बात नहीं है। मेरी बेटी है, मेरी बेटी है नहीं है, ये बहू है, बेटियां ही है मेरी। यही कहते कहते मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई, यही रही ऊपर ऊपर से। मुड़ के गल वही निकल रही जी कहते हैं, घुटती थी मेरी ते है। तो फिर बहू को दे दे माइक। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छी है मम्मा? अच्छी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। इस बात पे अच्छी है। आप ये कहते हुए अपनी हंसी पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही?
कि अच्छी गुजर रही है। मैं सच बोल रही हूँ, खुशी की हंसी है। सासू मां दी कोनी भी बिल्कुल इत्थे ही है। अच्छा भाई से भी बात करवाए, उन्होंने की हालात ने अजकल? बस भाई देखा मैं ऐसे बैठे और साड़ी भरजाई ने घर जाके रहना, वहां बड़े हंस रहे थे तुम। ये मजाक की बातें थी। अल्लाह ताला आपका ये घर जो है इसी तरह जन्नत की तरह आबाद रखे, शाद रखे, खुशियों का घराना बनाए रखे, और आपके सर पे आपके माँ बाप इसी तरह शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, दुआओं का खजाना लेके। क्या बात है। मेरा सवाल जुनैद साहब से है। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल आपको तो वाकई सर्दी लग रही है। एक तो आपने बकायदा वो दुस्सा लिया हुआ है और दूसरा मेरा सवाल जुनैद साहब कदर कितनी खींच के लिए पिंडा से जाके ना मैं अमानत ली हूँ। ज्यादा ठंड लग रही है ना, बाबे होरां दी पग चो आंडा कढ के खा लै। ओ ज़ेहनी तौर ते हले भी मोटरसाइकिल ते ही है। मेरा क्रिकेट टीम के हवाले से सवाल ये है कि आजकल मुखालिफ टीम बैट्समैन से बल्ला छीन रही है, तो पूछना ये था कि बल्ले से बैट्समैन होता है या बैट्समैन से बल्ला होता है? वाह, बड़ा जबरदस्त सवाल किया। बल्ला छीन गया है दोबारा पीटीआई से, यही है ना आपका जो इशारा है वो सारी कौम समझ रही है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि असल बात बैट्समैन की होती है, बैट की नहीं होती। उसके पीछे जो बैट्समैन होता है ताकत उसी में होती है, उसको आप थापी भी पकड़ा देना कपड़े धोने वाली तो भी वो वही स्कोर करके दिखाएगा। तो दिन सारे ना फड़ हाँ, दो देगा वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाज चौधरी है। जुनैद साहब पहले भी मैं आपके शो में आ चुका हूँ, आपका शो बहुत प्यारा चल रहा है, और मैं भी एक दिल में ख्वाहिश रखता हूं कि मैं यंग लड़के का किरदार अदा करूं और नसीम विक्की साहब को मेरी माँ बना दिया जाए। मैं इनके लिए इतना बड़ा रिस्क ले ही रहे हैं, वैसे तो आप माशाल्लाह यंग हैं ही हैं, बनने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप यंग लड़के बन ही गए हैं तो फिर माँ जरूर बनाना है आपने, महबूबा बनाए। वो इसलिए कि मैं शादी करना चाहता हूँ कि इनके लिए मैं बहू ले आऊंगा। अच्छा, ऐसे उम्र के बंदा गल्ला गुल्ला जी शादी करता है? हाँ जी। ए वाले बाबे राजस्थान च अन्ने ऊंट भेज दे। इथे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इथे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वाह वाह, अम्मी 30 साल दी, पुत्र 90 साल। बाबा करना कि मेरी मदर नु सुकून मिले और मैं शादी करके बहू लियावा प्यारी प्यारी और इन्हां दी आके खिदमत करे। पुत्र केड़े ऐसी आंदी है जेड़ी मां दी खिदमत करदी है? मुड़के तुसी मैनूं मुंह नहीं लाना, क्योंकि असल तो चल रहा है कि हमेशा बहू जड़ी है वो आके मां दी मदर दी खिदमत करदी है। ए तो गल्लां ही सुनियां ने, मेरी बीवी भी इंजी कहंदी सी। नहीं मैं ठीक है ना, और ये बड़ी खतरनाक मां है। हां माशाल्लाह, मां अपने शौहर अपने हाथों से मारा हुआ और एक नहीं मैं 3-4 मारे। मां जी ते अनु मुबारक होवे, तेरे पुत्र नु माशाल्लाह 16 सालां जी 4 नंबर ऐनक लग गई। एहो जे बाबे दा विआह हो भी गया ना ते बहू ने जहेज नहीं लियाना। जहेज आना सिरप, रिपोर्टां, दवाइयां, एक्सरे। तुहाडे अगर एक्सरे उतरन तुसी एक्सरे जाओगे नहीं। ऐसे दूल्हे की बारात भला कहां से जानी है? चुगताई लैब से। अरे लड़के आप दुल्हन ना लाओ, अपने लिए नहेलर लाओ। ए मेरा पुत्र उसे बैठ में तेरा ब्याह लभ नहीं तेरे आसे भी। ऐसे जिंदा दिल लोग बहुत कम रह गए। इतने मुसाइब इतनी परेशानियों में भी लोगों के चेहरों पे खुशियां ले आते हैं। इन्हें ब्याह ते खाने ही बड़े सोने होने दलिया। ये आपने जुनैद साहब 3 लोग इतने खूबसूरत बैठा दिए, बीच में छिपकली क्यों बैठा दिया?